अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप के सब ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फास्ट होंगे। जनाब आज मैं आपके लिए एम्ब्रॉयडरी के हैंड वर्क की खूबसूरत सी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देख सकते हैं जनाब, ये एप्लिक वर्क का हमारा फ्रॉक है फुल फ्लेयर वाला। ये इसका नेकलाइन है, नेकलाइन कुछ इस तरह से बनाया है हमने, देख सकते हैं जनाब। और जी इस पे ये जो है हमने सर्कल बनाकर सर्कल में ये चीज़ें ऐड की, ये देख सकते हैं आप नीचे की तरफ से इसका लुक। ये पूरा हमने जाल बनाकर और इस पे ऐड किया है। और ये जो खारा स्टाइल आप देख सकते हैं, ये सर्कल पे हमने पाइपिंग करते हुए साथ साथ ये छोटे छोटे खारा स्टाइल में बनाए हैं मुख्तलिफ़ कलर्स में, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। और ये जनाब ये हमने चुनटें ऐड की हैं साइडों में दोनों तरफ। ये कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है फ्रॉक का। और ये इसका घेर बहुत ज़्यादा है इसका, और इसके पूरे घेर पे हमने इस तरह से एप्लिक वर्क किया है। ये देख सकते हैं जनाब, हमने जो है मल्टी कलर्स में इस पर एप्लिक किया है। और ये दरमियान में हमने सर्कल्स बनाए हैं, इसी के फैब्रिक के ही सर्कल्स बनाए हैं मुख्तलिफ़ फैब्रिक्स के मुख्तलिफ़ कलर्स के। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका लुक है। और जनाब ये इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स अम्ब्रेला स्टाइल में हमने बनाई है, बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाली ये स्लीव्स हैं। स्लीव्स पे भी हमने इस तरह एप्लीक की है, आप देख सकते हैं स्लीव्स का लुक, और वेयर की हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है ये। और जनाब ये इसका बैक साइड है, बैक साइड भी बिल्कुल जैसा फ्रंट है वैसा ही बैक साइड का गला हमने बनाया है। और ये नीचे की तरफ बैक साइड पर हमने इस तरह से पहाड़ियाँ बनाई हैं, ये देख सकते हैं जनाब। और ये इसका दुपट्टा है खूबसूरत सा स्काई ब्लू, हमने इसका दुपट्टा रखा है। दुपट्टा बिल्कुल सिंपल रखा है, सिर्फ यहाँ ये पल्स वाला पिको करवाया है, और ये जो है पल्लुओं पे हमने ये इस तरह से सर्कल्स वाला पिको करवाया है। ये है हमारा दूसरा ड्रेस, दूसरा ड्रेस देख सकते हैं। ये मैंने आगा नूर के जो ड्रेसेस होते हैं उनकी कॉपी की। आगा नूर के ड्रेसेस आपको पता ही होगा, 15,000, 12,000, 10,000 इस तरह से होते हैं। तो हमने क्या किया, फैब्रिक लिया, फैब्रिक ये कॉटन नेट है, कॉटन नेट पे कुछ इस तरह से हमने ये उर्दू कढ़ाई करवा कर और उसके ऊपर हमने दबके का वर्क किया है। ये देख सकते हैं फ्लावर्स में हमने दबका ऐड किया है, पत्तियों में थोड़ा सा दबका ऐड कर दिया। ये देख सकते हैं जनाब कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है। ये हमने आगा नूर को कॉपी किया, और ये ड्रेस जो है ये हमें तकरीबन 6,000 में पड़ गया। ये अगर हम यही ड्रेस अगर हम लेते आउटलेट से लेते तो हमें आगा नूर के ड्रेसेस 15,000, 12,000 से कम के नहीं मिलते। तो इस तरह कर सकते हैं आप, ब्रांड्स की कॉपी कर सकते हैं जो कि आपको सस्ती पड़ेगी। ये देख सकते हैं ये इसका घेर है, ये दामन है, दामन पे देख सकते हैं मैंने जो है कटवर्क किया है पूरा, ये देख सकते हैं जनाब। और इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए मैंने रॉ सिल्क फैब्रिक लिया है, रॉ सिल्क फैब्रिक जो है वो ऐड किया है इस पर। नीचे इनर आप देख सकते हैं कॉटन का इनर हमने ऐड किया है। और ये इसकी खूबसूरत सी स्लीव्स आ गई, स्लीव्स देख सकते हैं आप जनाब, स्लीव्स कुछ इस तरह से है, इसकी खूबसूरत सी स्लीव्स हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ये वेयर किया। और इसका गला भी हमने बेगला रखवाया है जो कि बहुत ही प्रीटी सा लुक देता है, ये देख सकते हैं जनाब। और ये इसका पजामे है, पजामा पे देख सकते हैं, इस पर भी हमने सेम वही कटवर्क करवाए हैं जो कि हमने शर्ट पे करवाए थे नेकलाइन पे और दामन पे। ये इसी तरह कटवर्क किया है हमने, देख सकते हैं आप। और इसके ऊपर हमने इस तरह बटन ऐड किया, पैंट स्टाइल में ये पजामा हमने रखा। मुझे पैंट स्टाइल्स के पजामा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर यही रखती हूँ। और ये दुपट्टा है, दुपट्टा हमने 400 का ये बाय किया था, और उसके ऊपर हमने डाई करवाए हैं 3 कलर्स। वन कलर मुझे 200 का पड़ा, मतलब 600 में मेरा ये कलर हो गया। और इसके अलावा ये जो इसके ऊपर मैंने रॉ सिल्क की पट्टी ऐड की है, 200 का ये फैब्रिक आया, तकरीबन ये 1200 का मुझे दुपट्टा पड़ गया इसका। पूरा बजट मेरा ये 6,000 का बन गया है। अगर मैं ये आउटलेट से लेती तो काफ़ी महंगा पड़ता, और मुझे आगा नूर के ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैंने इसे कॉपी कर लिया जो कि मुझे बहुत ही सस्ता पड़ा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग माई चैनल।